हाई एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 29 जून 2020 के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो करतारपुर ब्रिज से रिलेटेड है, करतारपुर कॉरिडोर। अभी ये क्यों न्यूज़ में, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको रीओपन करने का ऑफ़र किया है इंडिया को, एंड प्रोजेक्टेड इज़ इंडियाज़ इंटरेस्ट, इट हैज़ मोर रीज़न नॉट टू वॉक अवे नाउ। तो इसके मतलब जो इंडिया को पीछे नहीं हटना चाहिए, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी के बारे में ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है। तो अभी ये क्यों किया गया है, क्योंकि COVID-19 के बाद से ये शट डाउन था 30 मार्च को, और रीओपन इस एक मेजर इवेंट है, ओकेज़न है। वो क्या है, महाराजा रणजीत सिंह की डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो 181st डेथ एनिवर्सरी ये है। महाराजा रणजीत सिंह कौन है, सिख रूरल है, रूलर हैं, ठीक है, सिखों के यूनिफाइड करने का इन्होंने काम किया था। और इनको लॉयन ऑफ पंजाब भी बोला जाता था, लॉयन ऑफ पंजाब, क्योंकि जब अफ़गान ने लाहौर को इन्वेट किया था तो उन्होंने लाहौर को फ्री भी किया था, ठीक है, अफ़गानी से, तो इस वजह से है। और अभी जो है करतारपुर कॉरिडोर के बारे में भी कुछ की फैक्ट्स, मतलब ये हमेशा याद होने चाहिए कि इट इज़ सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रावी रिवर, और बाकी जो गुरु नानक देव है उनका ये फाइनल रेस्टिंग प्लेस था अपने जीवन के 18 ईयर्स, जो है लास्ट 18 जो साल है वो इन्होंने यहीं पे स्पेंड किए थे। 1539 को इनकी डेथ हुई थी। और जो लाहौर दिल्ली बस डिप्लोमेसी थी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, तो उन्होंने ही ये प्रपोजल रखा था सबसे पहले। अभी लास्ट ईयर 550th बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, जो कब हुई थी, 12 नवंबर 2019 को हुई थी। तो इसमें इसका फाइनल इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है, वीज़ा फ्री एंट्री जो दोनों साइड के जो तीर्थयात्री हैं उनको मिलेगी। तो यही चीज़ इसमें याद रखने वाली है। और कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कनेक्ट करता है। तो जो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर का है, ठीक है, और जो इंडिया में क्या है, डेरा बाबा नानक साहिब, डेरा बाबा नानक विलेज है गुरदासपुर पंजाब में, ठीक है, गुरदासपुर पंजाब में, तो इसको कनेक्ट करता है गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अभी ये बोला गया कि ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, तो उनका ये कहना है कि 2 डेज का जो नोटिस था वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, इज़ टू शॉर्ट अ नोटिस। एटलीस्ट हमारे बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था कि 7 डेज़ का तो होना चाहिए, है ना, तो 7 डेज़ वाला था। तो यही चीज़ बोला है कि अगर मतलब उनका जो ये जेस्चर है, ये गुडविल है अगर, तो फिर देर आर नो रीज़न टू रिजेक्ट द प्रपोजल ऑल टुगेदर। और जो ये करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट है, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ही रेयर एग्रीमेंट है, कि चाहे हमारे जितने भी जो बिलेटरल रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाए, लेकिन ये थोड़ा काम करता ही रहता है ना, और दोनों के ही इंटरेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया है, पाकिस्तान है। और अभी ये चीज़ बोली गई है कि देर आर इवन मोर रीज़न नॉट टू वॉक अवे फ्रॉम इट, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कंसिडरिंग दैट मोस्ट अदर्स हैव बीन स्टिली इरोडेड और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि पाकिस्तान के बीच और हमारे मतलब हम दोनों के ही बीच में एक यही एक ऐसा है रिलेशन जिससे थोड़ा बातचीत बनी रहे। एंड दिस करेंट मोमेंट, अभी क्या हो रहा है, चाइना का इंट्रूजन जो है लद्दाख में, हमारे 20 जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो शहीद हो गए थे मिलिट्री क्राइसिस में, ठीक है, जो क्लैशेस हुए थे चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स के बीच में, और उनने हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हो गए नेबर कंट्री के साथ। और सेकेंड चीज़ ये बोली गई है कि इंडियाज़ इंटेंशन एंड डिटर्मिनेशन टू कीप इट्स रिलेशन विद द टू कंट्रीज़ सेपरेट, पर उनका जो लद्दाख और कश्मीर में जो मतलब रीज़न है, जो भी चाइना इंडिया का, चाइना और पाकिस्तान का है, वो सेम ही है, लेकिन फिर भी हमें जो है रिलेशन अलग अलग ही रखने होंगे, इंडिया के अलग है पाकिस्तान से और चाइना के अलग है। थर्ड एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो पाकिस्तान मतलब ये बोल सकता है कि इंडिया ने एक बार फिर से जो हमने अपॉर्चुनिटी दी थी कि हैंड ऑफ पाकिस्तान, हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, तो वो रिजेक्ट कर दी है ना। तो ये सब चीज़ें बोलिए कि जो पंजाब में मतलब क्या होना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, कंसर्न जो मेजर है वो यही है कि अभी एक दूसरे से मतलब जो तीर्थयात्री हैं एक दूसरी जगह से आएंगे तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो पाकिस्तान के लिए भी है और इंडिया की साइड से भी है। बट बोथ साइड नो बाय नाउ दैट प्रिवेंटिव मेजर्स आर एंड हाउ टू पुट देम इन प्लेस, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। जो दूसरा एडिटोरियल है वो दोज इन नीड है, तो गवर्नमेंट शुड कंसीडर वाइडनिंग स्कोप ऑफ कोलेट्रल फ्री लोन्स टू MSMEs, ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली इकोनॉमिक चैलेंजेस से डील करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया था, तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो हार्डली हिट जो सेक्टर थे, जैसे स्पेशली MSME सेक्टर, तो यहाँ पे क्या किया, उनके लिए भी
सरकार ने जो था 3 लाख करोड़ का जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है इनके लिए भी लोन अनाउंस किया था, ठीक है। तो अब जो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण मतलब जो जितने भी 45 लाख MSMEs है उनकी हेल्प करता है ये, और जो भी उनके ऑब्लिगेशन है जैसे टाइम पे सैलरी पेमेंट कर देना, रेंट और जो दूसरी फैसिलिटी है उनको अवेल होती रहती, तो ऐसे टाइम पे मतलब जब जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट रिस्क से बच रहे हैं ना, तो वहाँ पे मतलब इस तरह की फैसिलिटी को एक्सटेंड करना कि जहाँ पे गवर्नमेंट ही रिस्क जो है सारा बेयर करेगी, तो ये वास्तव में मतलब एक क्या है, वेलकम एक स्टेप है। लेकिन इसके कुछ कंसर्न भी है। कंसर्न क्या है, क्योंकि ये जो स्कीम है वो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स को एक्सक्लूड करती है, ठीक है, उनको इससे हटा देती है जिनके जो भी जो या फिर जिनके जो बैड अकाउंट्स है मतलब जो अकाउंट हिस्ट्री है वो सही नहीं है। तो इसको मतलब एक तरह से इस वाले क्लॉज से क्या हो जाता है, जो साइजेबल सेक्टर है इन MSME वो ऑलरेडी इससे एक्सक्लूड हो गया। तो इस मतलब इस वाले एम्बिट में उनको लाना चाहिए था, लेकिन री एग्ज़ामिन करने की इसको ज़रूरत है। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि बाकी के जो इश्यूज़ हैं वो क्या हो सकते हैं, डिमांड और सप्लाई साइड के इश्यूज़ हैं, जो भी मतलब डिसइंबर्समेंट हो रहा है ना, डिसबर्स जो है क्योंकि बहुत कम हो रहा है MSME सेक्टर का, क्यों नहीं कर रहे हैं ये क्रेडिट अवेल, क्योंकि क्रेडिट में भी लो बिकॉज फॉर MSME फाइनल कंजम्पशन डिमांड हैज़ फॉलन एंड फर्दर द इंटरेस्ट रेट चार्ज डिस्पाइट अ कैप बिंग इम्पोज्ड, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बोली गई, और फर्दर द इंटरेस्ट रेट चार्ज डिस्पाइट अ कैप बिंग इम्पोज्ड मे बी टू हाई फॉर देम, ऑन द अदर हैंड सप्लाई साइड इशू मे प्रीसिस्ट एंड ओनली कंपनीज विद गुड क्रेडिट हिस्ट्री आर एबल टू रेज फंड, तो जिनकी हिस्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री सही होगी वही जो फंड है वो भी रेज कर सकते हैं। और मेन जो रीज़न था इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव कि जो क्रेडिट फ्लो है उसको बूस्ट करना है MSMEs के लिए और उनको हेल्प करनी है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से बाहर करने के लिए, रिलैक्सिंग सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन दोज हु कैन अवेल ऑफ द स्कीम, वाइडनिंग द डेफिनेशन टू इंक्लूड अदर्स, ठीक है। तो जो दूसरे सेक्टर हैं, दूसरे जो हैं उनको भी इस डेफिनेशन में लाना चाहिए, जैसे कि इंडिविजुअल बोरोवर्स के साथ साथ स्मॉल ट्रेडर, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स सच एज ट्रक ड्राइवर्स हु बोरो इन देयर ओन नेम एंड अकाउंट फॉर अ साइजेबल सेक्शन, तो ये सारे लेबर फोर्स वगैरह सब इसमें आ जाएंगे MSME इकोसिस्टम में, ये सभी की हेल्प करेगा। ये जो आर्टिकल है संजय बारू के द्वारा लिखा गया है, द रूम विद अ व्यू, तो जो US प्रेसिडेंट के फॉर्मर NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन, तो उनकी एक किताब है द न्यूयॉर्क मतलब द रूम वेयर इट हैपेंड अ वाइट हाउस मेमोरियल, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी में जो US की कमिटमेंट्स है तो उसकी बातचीत कही है, और मेन इसमें ये है कि इंडिया was a marginal concern of the US National Security Advisor during his term in office. Bolton does not take the India-Pakistan border clash of 2019 very seriously, but उनके जो views हैं अफगान तालिबान को लेके वो दिल्ली के लिए welcomed हैं, और उन्होंने जो था ट्रंप ने जो बातचीत की थी तालिबान के साथ वो उसको डिसअप्रूव किया था। और बाकी यही चीज़ बोली जा रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है उसमें क्या है, लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट पॉलिसी मेकिंग है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, और क्योंकि देखो इलेक्शंस तो जो पॉलिटिशियंस है वो जीत जाते हैं चाहे वो नैरो आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स में मतलब कुछ भी बातें करके, बट दैट कैन नॉट बिकम द बेसिस ऑफ पॉलिसी इन अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटी एंड एन इवर मोर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, तो वो उनका मतलब वही नहीं बनना चाहिए जरिया कि बार बार वो इस तरह की चीज़ें करें। दूसरी चीज़ यहाँ पे यही बोली गई कि जो बोल्टन की बुक है दैट हैज़ एनकरेज द इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस पार्टिसिपेट इन ट्रिलेटरल्स विद चाइना, मतलब अगर हम इंडिया जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है लेकिन हमको चाइना के साथ भी मतलब हमें थोड़ा सा बैलेंस ही बना के रखना होगा, और जैसे जो ट्रंप की थी वन टेक कंफर्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ट्रंप्स अमेरिकन फर्स्ट अप्रोच हैज़ रैप्ड US कमिटमेंट टू ऑल फ्रेंड्स एंड अलाइज एंड सो इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन, है ना। तो ये सभी को मतलब एक तरह से निगलेक्ट करते रहते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है प्रोटेक्टनिस्ट की है, ठीक है, कि इंडियन अमेरिकन फर्स्ट एंड इंडियाज प्रायोरिटीज एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैव नॉट चेंज्ड इन दिस पास्ट 2 decades, और इसी तरह से जो USA भी है तो वो मतलब दोनों की बनी है, तो ज़्यादा कुछ तो इसमें है नहीं है ऐसा। बाकी ये वाला मोनालिसा विद अ मास्क जो है तो ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आर्टिकल है, इसमें यही बोला गया है द आर्ट वर्ल्ड एज वी नो इट इज़ फेसिंग एन एक्सटेंशियल क्राइसिस, ठीक है। तो
वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतलब डिस्कस नहीं किया जा रहा है वो एक ये भी चीज़ है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम है, ठीक है, म्यूज़े द लो, ये कहाँ का है, पेरिस में, ये है फ्रांस का म्यूज़ियम है, सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम। तो यहाँ पे जो है ये ओपन हो रहा है 4 मंथ के बाद और विजिटर्स यहाँ पे आ सकेंगे। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो न्यू नॉर्मल है उसके साथ यहाँ पे आएंगे, कि मतलब मैंडेटरी फेस मास्क होगा, टेम्परेचर चेक होगा, प्री बुक्ड ऑनलाइन टिकट होंगी, तो ये सब है। एंड आर्गुएबली द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड द लियोनार्डो द विंसी पोर्ट्रेट हैज़ नॉट बीन स्पेयर्ड बाय द कोविड-19 कंटेजन। और अभी जो है उन्होंने मतलब सजेस्ट किया था, एक फाउंडर है स्टेफिन डिस्टिंग के, फाउंडर टेक कंपनी के फैब्रे नोवल की, जो 500 ईयर ओल्ड मास्टरपीस फॉर एटलीस्ट 50 बिलियन यूरोस, ठीक है। तो जो लियोनार्डो द विंसी है, तो यूरोप में आपको पता है कोरोना वायरस से मतलब काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन वो बुरी हो गई है, तो उसको रिवाइव करने के लिए, उससे लड़ने के लिए ये 50 बिलियन यूरोस में लियोनार्डो द विंसी की पेंटिंग को भी मतलब ये सेल कर सकते हैं। एंड इंडिया में भी काफ़ी सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं म्यूज़ियम को ओपन करने के, आर्ट एंड गैलरीज को ओपन करने के लिए, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बिजनेसेस इन द कमिंग वीक्स। बट ये क्या है, मतलब इतनी जल्दी तो नॉर्मलेंसी नहीं आ सकती है फॉर इंडियन आर्ट, विच वॉज एट क्रिटिकल स्टेज विद राइजिंग इंटरनेशनल अटेंशन एंड ग्रोइंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स कलेक्टर बेस। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो रही है। और अभी जो यूनेस्को है और आईकॉम है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम, तो इन्होंने स्टडी की थी और इसमें ये बोला गया था, नियरली 90% ऑफ म्यूज़ियम द वर्ल्ड ओवर क्लोज्ड देयर डोर्स फॉर वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द क्राइसिस, एंड नियरली 13% ऑफ दीज मे नेवर रीओपन, ठीक है, कुछ तो ओपन ही नहीं होंगे। इसके अलावा जर्मनी, मतलब अगर हमें इससे बचना है तो हम इन सेक्टर्स के लिए क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हैं उनके सपोर्ट के बिना ये रिवाइव नहीं हो सकते, और इसके लिए हमें इमरजेंसी रिलीफ फंड है वो हम दे सकते हैं, जो भी प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसे इन यूके और जर्मनी ने रिलीफ पैकेज रोल्ड आउट भी किया हुआ है। और इसके अलावा जो मतलब एक तरह से डिजिटल रिनेसा ये आया हुआ है, ठीक है, और डिजिटल रिनेसा की वजह से क्या हुआ है कि इसने जो डेमोक्रेटाइज कर दिया है आर्ट फॉर्म को, और ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया। लोकतांत्रिक कैसे, कि अभी सारे लोग मतलब वर्चुअली म्यूज़ियम देख सकते हैं, ऑनलाइन व्यूइंग कर सकते हैं रूम्स की, है ना, तो ये सब चीज़ें। बट आयरोनिकली द वेरी मेकर्स एंड कीपर्स ऑफ आर्ट आर थ्रेटेंडेड बाय देयर इकोनॉमिक फॉलआउट्स, ठीक है, लेकिन उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही, जो इसमें प्रोफेशनल्स थे जिनका ये प्रोफेशन था उनके लिए बहुत ज़्यादा ही ये बुरी स्थिति है। और बाकी के जो USA का भी है, न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट हैव अनाउंस ले ऑफ्स एंड पे कट्स, तो ये सारी चीज़ें हो रही है इसकी वजह से। नेक्स्ट ये है, व्हाट्स फूड गॉट टू डू विद इट, ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये एक मूवी है, एक्सॉन या अक्कुनी करके एक डिश है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न डिश है, मेनली नागालैंड जो रीजन है वहाँ पे होती है। और ये जो मूवी है ये नॉर्थ ईस्टर्न जो माइग्रेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर ये बनी हुई है। ए पाइंडरिंग अटैम्प्ट टू फ्रेम द लाइफ्स ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इन द नेशन कैपिटल ट्रिप्स इट्स ओन इनएबिलिटी टू ग्रैप्स इधर द पॉलिटिक्स ऑफ फूड और एवरीडे रेसिज्म। तो मतलब हर दिन जो रेसिज्म फेस करना पड़ता है जो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल है, तो उसी के बारे में ये मूवी बताती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बोला गया है, देखो अक्कुनी क्या होता है, अक्कुनी एक कुकिंग अक्कुनी इन हुमायूंपुर द नॉर्थ ईस्टर्न हार्लेम इन न्यू दिल्ली, ठीक है, तो ये एक फर्मेंटेड सोयाबीन की डिश होती है जिसको मीट वगैरह के साथ खाया जाता है, पॉक विद अक्कुनी इस टाइप से, ठीक है। तो द रेशियल पॉलिटिक्स ऑफ फूड एंड द अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू कुक अक्कुनी एंड पॉक टेक अस इनटू कन्वर्सेशन अबाउट रियलाइजिंग दैट अदर्स, जो नॉन अक्कुनी ईटर्स होते हैं, हैव द राइट नॉट टू टॉलरेट द स्मेल ऑफ आर फूड, ठीक है। तो ये चीज़ भी, इस चीज़ पे भी मतलब इसकी वजह से कन्वर्सेशन होती है। बाद में मतलब यही चीज़ बोली गई है कि ज़्यादा जो फोकस था मूवी का वो मतलब पूरी तरह से उसको जस्टिफाई नहीं कराया गया, बल्कि थोड़ा इसमें यही सब चीज़ें बताई गई कि द सर्च फॉर अ नॉर्थ ईस्टर्न गर्लफ्रेंड थ्रू आउट द मूवी इज़ पोर्ट्रेड एज इनोसेंट एंड क्यूट, कि नॉर्थ ईस्टर्न गर्लफ्रेंड की मतलब लोग जो न्यू दिल्ली और वो सब हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। एंड रेसिज्म एंड इनइक्वालिटी आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ वायलेंस बट द फिल्म इज़ अनेबल टू ग्रैप्स दीज थीम्स एंड एल्यूड्स टू फ्रेंडशिप एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ नाइसनेस एज रेमेडीज फॉर एड्रेसिंग रेसिज्म, ठीक है। तो इसी चीज़ पर बोला गया है कि मतलब एक वो इसमें लैंडलॉर्ड भी होता है, तो कहता है कि अरे
मतलब तुम तो सब लोग एक जैसे ही दिखते हो, है ना, शक्ल एक जैसी है। तो फिर वो लड़की नॉर्थ ईस्टर्न रिप्लाई करती है उसको कि अगर हम सबकी शक्ल एक जैसी है तो तेरे को कैसे पता कि हर बार एक नया बंदा आता है। तो इस टाइप से भी मतलब है उनका हर दिन जो उनके साथ होता है उस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, लेकिन ये मूवी ने थोड़ा बहुत हाईलाइट किया है उस पर। ठीक है, देन रीडिंग चाइनाज़ राइट्स जो है, ये आर्टिकल भी चाइना का जो बढ़ता एक्सपेंशन है उसी पे लिखा गया है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि इंडिया ने मतलब बिना किसी पूरी तरह से जो चाइना का जो गेम है उसको जाने बिना, हम डेस्परेट थे कि हमें SCO को ज्वाइन करना है, चाइनीज लेट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जिनपिंग ने 2013 में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी इसमें ऐड किया। एंड अ वेरी अ फ्यू पॉपुलर नाउ इज़ दैट द अर्ली सरेंडर टू चाइना वॉज अ मिस्टेक, इट्स टैक्टिक्स आर फ्यूलिंग टेंशन एंड रिसेंटमेंट्स अक्रॉस एशिया। तो यही सारी चीज़ें बोली हैं कि अगर मतलब इंडिया अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी कन्फ्रंट्रेशन हो रहा है उसमें जैसे उनका इंट्रूजन आगे आगे होता जा रहा है इंडियन टेरिटरी में, तो इसको अगर सेटल कर लेता है, इसको मान जाता है, तो फिर क्या होगा, हमें जो है अक्साई चीन से तो हम मतलब गिव अप कर ही देंगे। ठीक है, लेकिन साथ में फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश और जो सियाक्शगम वैली है एंड द मेंसर इनक्लेव है 5 विलेज नियर दी मानसरोवर लेक, तो वहाँ पे भी वो अपनी जो है क्लेम करता रहेगा। ठीक है, बाकी अरुणाचल प्रदेश को वो जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर क्लेम करता है तो वहाँ पे और ज़्यादा वो मांग करेगा। तो इसलिए हमें ऐसे सेटल नहीं करना है कि मतलब उनके टर्म्स पे, क्योंकि वो चाहता यही है। पहला क्या चाहता है चाइना, सेटल द बाउंड्री डिस्प्यूट ऑन इट्स टर्म, कि अपनी अपनी तरह जो भी वो रूल्स बनाए गाइडलाइंस दें तो वैसे ही बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल हो उनके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ ये है कि दैट इट इंटेंड्स टू सॉल्व द तिब्बत प्रॉब्लम, कि वो जो तिब्बत प्रॉब्लम है उसको अपने आप ही वो सुलझाना चाहता है। ठीक है, उसको इंडिया के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है इन द पोस्ट दलाई लामा डेवलपमेंट्स। तीसरी चीज़ ये है कि जो क्वाड स्ट्रैटेजिक फोरम है उसको वो इनक्रेज नहीं करना चाहता है। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया USA इंडिया हैं उसको नहीं करना चाहता है। तो इस आर्टिकल में यही था। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।